हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जय माता दी गाइस। तो ये थोड़ी लेट वीडियो शेयर कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये अभी मेरा मतलब मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर ही कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने नवरात्रों से पहले मैं शेयर नहीं कर पाया था, बहुत मतलब बिजी था। इस वजह से स्कूल के भी एग्ज़ाम्स भी वगैरह भी थे, तो इस वजह से मैं बिजी था, तो इसलिए मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाया, सॉरी। तो अब मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ड्रेसेस की, कि कैसी ड्रेसेस बनी थी पहली बार, जो होममेड ड्रेसेस हैं वो कैसी हैं भगवान जी के लिए, जो पहली बार सभी भगवान जी के लिए बनाई थी मैंने, वो कैसी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, सबसे पहला लहंगा माता सरस्वती जी का, देखिए बहुत प्यारा सा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने अस्तर मतलब, क्योंकि हम ये ज़्यादातर मेन पटके पे होता है कि एज अ ब्लाउज हम बनाते हैं, तो वहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ अस्तर लगाया। पर यहाँ पे लगाने के लिए मेरे पास नहीं था अस्तर, और एन मोमेंट पे शॉप पे भी नहीं जा पाए हम, क्योंकि यहाँ आसपास से नहीं मिलता है, अगर मतलब दूर से ही मिलता है ऐसे मतलब मटेरियल, तो इस वजह से मैं नहीं लेकर आ पाया। तो इस वजह से मैंने जो कपड़े के साथ जो आया था, थोड़ थोड़ा थोड़ा साड़ी में लगा होता है ना, कढ़ाई वाले जो होते हैं, तो वो साथ में थोड़ा थोड़ा लगा रहता है सिंपल, तो मैंने वही काट के जो सिर्फ पटकों के नीचे ही लगाया है ये अस्तर का कपड़ा। ये सॉफ्ट है, तो यहाँ से कोई मतलब चुभ नहीं रहा है, भगवान जी को पहनने में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये भगवान जी की जो ड्रेस थी माँ सरस्वती जी की, बहुत प्यारी सी, मतलब बहुत एकदम अच्छी बनी है, एकदम फिट वाली। और ये माँ दुर्गा जी की ड्रेस, ये भी सेम है सबकी ड्रेसेस, बस साइज़ में फ़र्क है। ये देख सकते हैं, ये पटका साथ में बहुत प्यारा सा, मतलब हैवी ड्रेस है ये, बहुत मतलब कढ़ाई वाली है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, बहुत अच्छी है। कपड़ा मतलब हैवी था, और उसके ऊपर ये लैस अगर सिंपल लगे तो कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है, अगर कपड़ा सिंपल उसके ऊपर हैवी लेस अच्छी लगती है, तो मैंने उसी के हिसाब से ये लैस ली थी। आप देख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारी सी है। तो ये माता रानी की, तो ये देखिए हमारे शिव परिवार की ड्रेस, ये आप देख सकते हैं, ये पटका शिव जी जी का, क्योंकि उनको बड़ा आता है तो मैं अच्छी तरह से उनको पहना देता हूँ मतलब लपेट के, ताकि उनको लगे कि उन्होंने भी ड्रेस अच्छी तरह डाली हुई है। और ये देखिए, ये माँ पार्वती जी का, घर में ड्रेस बनाने का यही फायदा होता है कि आप जितने भी भगवान जी के लिए जितने भी पटके या लहंगे या चुनरी वगैरह बना सकते हैं वो बना सकते हैं, अपने हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा जो भी कर सकते हैं। पर बाहर की ड्रेसेस होती हैं वो, उनमें तो साइज़ मतलब एक फिक्स होता है, उसी को एडजस्ट करके पहनाना पड़ता है, पर घर में ऐसा नहीं है, घर में ये फ़ायदा होता है। अब से मैं कोशिश कर रखूँगा कि घर में ही सभी ड्रेसेस बनवाया करूँगा, मेरे को तो आती नहीं, मेरी चाची ने बनाई थी, देखिए बहुत प्यारी है, पहली बार बनाई है और बहुत प्यारी बनी है। तो ये देखिए गणेश जी का है पटका, और ये लहंगा शिव परिवार का, देखिए बहुत प्यारा सा आया है। तो इसी प्रकार से सबकी ड्रेस बनी है। तो ये राधा कृष्ण जी की पोशाक, ये भी बहुत प्यारी सी है, ये देखिए, ये साथ उसके पटका, इसके पीछे भी अस्तर लगा हुआ है, और इन सब के पीछे भी अस्तर लगा हुआ है। तो ये भी बहुत प्यारी ड्रेस आई है, मुझे बहुत सुंदर लगी। और ये देखिए, ये बाबा बालकनाथ जी की पोशाक है, एक पटका जो मैं एज ए पोशाक में उन्हें पहनाता हूँ, तो ये मैं एडजस्ट करके पहनाता हूँ। अगर आपको किसी को वीडियो चाहिए होगी कि बाबा बालनाथ जी को कैसे मतलब, जैसे अगर आपके पास भी ऐसा विग्रह है तो आप कैसे पहना सकते हैं उनको पोशाक, अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा वो वीडियो। और कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी ड्रेस बनी है, यही सबकी ड्रेसेस बनी है सभी भगवान जी के लिए जो जो पहनते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ड्रेसेस की वीडियो अगर आप और कोई वीडियो चाहते हैं रिलेटेड टू भगवान जी के श्रृंगार या फिर पूजा से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, तो और जो मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। ओके गाइज, बाय, जय माता दी, टेक केयर, बाय।